तो करवा चौथ भी आने वाला है और साथ ही वेडिंग सीजन भी शुरू हो जाएगा। तो अभी जो मेरा दुकान में ना पूरा मैसी हो रखा है, जैसे जैसे समय बीता जा रहा है सारे दुल्हने जो हैं अपने कपड़े वगैरह लहंगे वगैरह लेके आ रहे हैं और सूट साथ में, तो ढेर सारे। जैसे अभी अभी जो मेरी कस्टमर है वो आई थी, कपड़े दे के गई है और वो चलेगी। अभी इसके बाद मेरा क्या काम रहता है इन सारे कपड़ों में से, जैसे उस समय तो मैं उनको दिखा देती हूँ कि ये ब्लाउज है, तो अब ये ब्लाउज़ निकालना, सूटों को अच्छे से फोल्ड करके रखना, ये सारी मेरी जिम्मेदारी रहती है। क्योंकि ये अभी जैसे नवरात्रि शुरू में ही देखे गए हैं, शादी होगी नवंबर, मतलब हाफ में ही स्टार्ट हो जाता है नवंबर शादी होना, शादियों का सीज़न, तो उसके लिए मुझे ये सारे चीज़ें जो हैं अच्छे से मतलब समेट के रखना होता है तब तक के लिए। तो किस तरह से मैं इनको पैक कर रही हूँ, काफ़ी बड़ा सा लहंगा है और इसी पे मैं इसका ब्लाउज़ भी रख दूँगी। ये देखो मेरा सुपर हीरो कैमरामैन, इधर आ जाओ कैमरामैन, इधर आओ थोड़ा, नमस्ते बोलो। नमस्ते। तो ये दोस्तों ये मेरा सुपर कैमरामैन है जो मेरे वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता है, तो ये नमन है, आप बोल रहे थे कि अपने फैमिली से मिलाना, तो ये जो नए जुड़े हैं मेरे सब्सक्राइबर, तो ये है नमन देव। और अभी अभी कुछ खाने जैसी लगी होगी, पैसे मांगना आ गया होगा मेरे से, और वीडियो बना दे बोलूँगी, मोबाइल पकड़ दे बोलूँगी तो दूर दूर रह जाता है। तो अभी मैं इसको अच्छे से सेट करके रखूँगी, ठीक है। ये लहंगाओं के बैग ना बड़े उससे रखना पड़ता है, नहीं तो फट जाता है और जिप भी टूट जाती है। ये मैंने पैक करके रख दिया, इसको कहीं दूर संभाल के रखूंगी मैं। और फिर ये सारे सूटें हैं, ये मैंने बस देखने के लिए खोले हैं कि अंदर से सही है कपड़ा नहीं है करके, तो इनको भी एक बड़े से उन्हीं के बैग में मैं सेट करके रख दूंगी। साथ में साड़ियों को भी अलग रख दूंगी और उनका ब्लाउज़ निकाल के उसी के साथ इन्हीं के साथ फोल्ड करके रख दूंगी। तो इस तरह का काम हो जाता है। अभी धीरे धीरे कुछ समय बाद मेरे को जो है वीडियो बनाने का भी समय नहीं होगा, क्योंकि बिजी हो जाऊंगी ना मैं अपने काम पे। तो क्योंकि करवा चौथ के कपड़े, शादियों के कपड़े, तो आप साड़ियों में से अगर कोई बुटीक वाला है तो या तो नाप के निकालना, या तो क्लाइंट पे कितना लगेगा, मोटे पतले कैसे हैं, उस हिसाब से आप उस पर ब्लाउज़ निकाल देना उसके कपड़े से। तो मैं वैसे तो 33 इंच, 34 इंच, मतलब 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, इतना ज़रूरत पड़ती है। इसमें इन्होंने कली मांग रखे हैं हाथों में, तो इस तरह से निकल आता है। ये ब्लाउज़ निकाल दिया और साड़ी भी कुछ इस तरह से है। आप आइडिया ले सकते हो आपको किस तरह से साड़ी लेनी है, ठीक है। तो आप इस तरह की साड़ी, और दूसरी ये वाली कलर बहुत ही ज़्यादा चल रही है कई समय से, इस तरह के कलर भी आप ले सकते हो, ठीक। और ये वाला कलर भी सुंदर है, जो पहले साड़ी काटा उससे भी। तो वैसे मैं आपको बता दूं, जब मेरे को जैसा समय होगा ना उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी। कभी मैं आपको अच्छी नॉलेज भी वीडियो बना सकती हूँ जब समय होगा, लेकिन अभी कुछ समय से मेरा ऐसे ही रहेगा, आप कुछ दिनों तक, शायद ही नवंबर पूरा ऐसे ही, अक्टूबर नवंबर ऐसे ही रह सकता है मेरा कपड़े 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 में। तो अब इस पन्नी में सारे पैक करके फोल्ड करके रख दूँगी और उन पे नाम लिख दूँगी और उनका पर्ची नंबर लिख दूँगी। तो इस तरह से मैं अपना जो है काम करती हूँ। इनका मेजरमेंट लेने, इन जब मैंने ये नापे ना, तो इसको नापने तक और इसका बिल विल बनाने तक पूरा 1 घंटा लगा, 1 घंटा। जब ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से लिखना पड़ता है कस्टमर का, कि कौन सा चीज़ कितना चाहिए, रेड वाले में क्या मांग रखा है, पैंट है, प्लाजो है, किस में कैसी मोहरी है, उसको अच्छे से मतलब सोच समझ के लिखना पड़ता है। कौन सा ब्लाउज़ में कली मांग रखा है, कौन से उस पर डीप नेक मांग रखा है, ये सब एक एक चीज़ को अच्छे से सोच के समझ के लिखना पड़ता है, ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। तो आप भी कुछ इसी तरह से वो कर सकते हो। कितना तो इनके अंदर पट्टे ही होते हैं ना, इनसे पूरा कपड़े का ही लुक ही खराब हो जाता है।
इनको अगर हम अभी अच्छे से फोल्ड करके नहीं रखेंगे ना, तो फिर बाद में परेशानी होती है हमें, ये कटिंग करते समय फिर अच्छे से प्रेस लगाने पड़ते हैं। तो चलिए ये हो गया है, ये तो थैला भी फट गया है। ऐसे होता है जब ज़्यादा कपड़े होते ना, तो इस पर मैं अब उनका नाम नंबर वगैरह लिख दूँगी और लहंगा भी लिख दूँगी, और इसी के साथ मैं ये वाली चीज़ें भी रख दूँगी, क्योंकि इससे ना उनका बेल्ट वगैरह बनाना है, यहाँ पे कमरबंद है और ये बाजू वाजू में भी लेस लगानी है, तो उसी हिसाब से देखना पड़ता है। तो जब उस पर लहंगा के लिए बेल्ट बनता है ना, तो उसके हिसाब से नाप के, क्योंकि इतना लेके फिर पीछे डोरी लगेगा इसका, तो मैंने जिस हिसाब से उनके पैसे काट रखे हैं उस हिसाब से इसको ले लूँगी और इसी पे ये वाली लेस भी रख दूँगी, ताकि मुझे याद रहे बाद में। अगर आप उसी समय नहीं करोगे तो फिर बाद में भूल जाओगे आपका कितने समय बाद। ये हो गया है, ये हो गया है और ये भी हो गया है। साड़ियों को अलग रखूँगी, इनको अलग। तो इस तरह से आप उसकी पूरे सामान की सेटिंग, और फिर मेरे को यहाँ भी जगह बनानी है ये लहंगा वगैरह के लिए।